नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबे समय के इंतजार को खत्म करते हुए जनता दरबार का आगाज कर दिया है, जहां वो हर सोमवार को जनता की फरियाद सुनते हैं और संबंधित विभागों को जल्द से जल्द मिल रही शिकायतों का समाधान करने की नसीहत भी देते हैं। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जब भी राजधानी पटना में रहते हैं तो लगभग हर दिन जनता की परेशानियों को सुनते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इसके लिए तेजस्वी किसी जनता दरबार का आयोजन नहीं करवाते हैं। वहीं अब जनता की फरियाद सुनने के रेस में जदयू के बाद भाजपा भी आ गई है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ जदयू जनता की शिकायतों को सुनने के लिए केवल एक दिन का ही समय निकालती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा हफ्ते में सोमवार से लेकर शनिवार तक जनता की समस्याओं को सुनने वाली है। इसके साथ ही भाजपा ये भी कोशिश करेगी कि हर एक आम नागरिक की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान समय पर निकाला जा सके। इस बाबत अब भाजपा ने पार्टी प्रदेश मुख्यालय में सहयोग कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया है। इस दौरान मंत्री पार्टी प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। इसको लेकर भाजपा ने अपना रोस्टर भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत सोमवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन नीरज कुमार सिंह और श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्रा उपस्थित रहने वाले हैं। वहीं मंगलवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सहयोग कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों की समस्या सुनने वाले हैं। वहीं बुधवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय और कला संस्कृति एवं युवा मंत्री आलोक रंजन अर्जी लेंगे। गुरुवार को गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद और सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह कार्यक्रम में उपस्थित होकर लोगों की फरियाद सुनेंगे। शुक्रवार को कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान भाजपा मुख्यालय में लोगों की समस्याओं को सुनने वाले हैं। वहीं शनिवार को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सहयोग कार्यक्रम के दौरान पार्टी प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित रहेंगी। ज्ञात हो फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसके तहत भाजपा और जदयू साथ में बिहार की बागडोर संभाल रहे हैं। जहां भाजपा बहुमत से वोट जीतने में कामयाब हुई थी, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जनता दरबार का आयोजन करवाने के बीच भाजपा के सहयोग जनता दरबार से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान निकाले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की जनता दरबार एक दिन होने के कारण सभी लोगों को फरियाद करने का मौका नहीं मिलता है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरह से हर दिन शुरू किए जा रहे जनता दरबार में लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान निकाले जाने की संभावना भी अब बढ़ गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।